आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की सब्जी। तो इसके लिए पहले इन्हें अच्छे से धो के साफ कर लेना है, फिर इनके टॉप्स काटने हैं। अब मैं बता देती हूँ छीलना कैसे है। कई लोग इन्हें छीलते नहीं हैं, पर फिर मुंह में छिलका आता है, टेस्टी नहीं लगता। इन्हें अच्छे से पील करना है, पूरा का पूरा पील करना है हमने। छिलका अगर रहेगा तो मुंह में आता है, वो टेस्टी नहीं होता। मैं परवल के वैसे फ़ायदे बता देती हूँ। ये खाने में बहुत ठंडी तासीर का होता है और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारा खून भी साफ करता है। इसके बीज में जो मोटे बीज हैं वो आपको निकाल देने चाहिए, नहीं तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। इसके हम 4 पीसेस कर रहे हैं, खाने में देखने में अच्छे लगते हैं। ये हमने इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस परवल के काट लेने हैं। इस तरह से खाने में ईजी भी रहते हैं और टेस्टी भी लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे और उसमें परवल को पहले हम शैलो फ्राई करेंगे। दो या 3 मिनट तक हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे, जिससे ये खाने में बाद में कच्चे नहीं लगेंगे और टेस्ट भी इनका बढ़िया हो जाता है। परवल हमारे हल्के से शैलो फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अलग बर्तन में हमने निकाल लिए हैं। अब इसी फ्राइंग पैन में, इसी कढ़ाई में हम जीरे का तड़का लगाएंगे। हमने जीरे का तड़का लगा दिया है, उतने से घी में ही जीरे का हो जाएगा। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। मैंने कद्दूकस किया है, आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं। अब हमें टमाटर को पकाना है। हम इसको बिना प्याज बिना लहसुन के बना रहे हैं, इससे भी बहुत टेस्टी बनती है। प्याज और लहसुन, उनकी तासीर गर्म होती है। अगर घर किसी को एसिडिटी की दिक्कत है तो वो इसको नहीं सह पाते हैं प्याज और लहसुन को, तो इसीलिए मैं आज बिना प्याज लहसुन के भी आपको बता रही हूँ कि कितनी टेस्टी बन जाती है। अब इसको हमें थोड़ा सा पकाना है और साथ में हम मसाले डाल रहे हैं। मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ और हल्दी डाल रही हूँ। बिल्कुल सादी पर टेस्टी बहुत बनेगी। इनको भी हम पका लेते हैं। अब साथ में हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। इन सब मसालों को हमने पकाना है। टमाटर पक जाए उसके बाद हम हल्का सा इसमें दूध डालेंगे। अगर पहले डाल दिया तो वो पनीरी ग्रेवी बन जाएगी। अगर पनीरी ग्रेवी चाहिए तो पहले डाल दीजिए। अगर हल्का सा कलर चेंज चाहिए तो हम टमाटर को पहले पकाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे परवल बनके तैयार हैं बिना प्याज और लहसुन के। अब हम इसको हरे धनिये से गार्निश कर देंगे। तो आप देख लीजिए, बढ़िया सब्जी तैयार है बिना प्याज और लहसुन के। परवल इतने झटपट बन गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी परवल बन जाएंगे। गिन के 5 मिनट से भी हमारे कम लगे हैं परवल बनाने में। और बहुत टेस्टी और बहुत न्यूट्रिशियस सब्जी है ये। आँखों के लिए बहुत अच्छी है और आपका खून भी साफ करती है। ब्लड प्यूरीफायर होता है परवल।